गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वापस हम नादान दोस्त की चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने आगे की कक्षा में देखा कि श्यामा भी मन ही मन डर रही है और केशव भी डर रहा है, क्योंकि माँ उठकर बाहर आ गई है और उनके सवाल का जवाब देने के लिए हम सब डरे हुए हैं, यह बताने के लिए कि दरवाजा किसने खोला था, किवाड़ हकीकत में केशव ने खोला था, परंतु हिस्सेदार इसमें श्यामा भी थी और केशव को डर था कि कहीं श्यामा अपनी बात माँ से बता देगी तो हमारी क्या हालत होगी। हम भी डरते हैं अपनी मम्मी से यह सारी बात करने के लिए, परंतु कभी कभी मम्मा है वह हमें अच्छे से समझा के मना लेती है कि हमें ऐसे काम नहीं करने हैं, और कभी कभी हम उनसे झूठ भी बोल लेते हैं। मेरे ख्याल से केशव और श्यामा भी अपने आप को बचाने के लिए किस झूठ का प्रयोग कर रहे हैं अब हम आगे देखते हैं। तो किवाड़ केशव ने खोला था लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, उसे डर लगा कि कहीं भैया पीट जाएंगे, और केशव भी दिल में कांप रहा था, डर रहा था कि श्यामा कहना डर, क्योंकि छोटी सी बच्ची है डर के मारे बोल भी सकती है, और दूसरा उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे जबकि बार बार श्यामा उससे कह रहे थे मुझे अंडे देखने हैं, पर तब बड़ा भैया होने के नाते वह भी उसके ऊपर हावी हो गया था कि तू गिर जाएगी, तुझे कुछ हो जाएगा, तुझे चोट लगेगी, अगर बहुत बोलेगी मैं तेरे को दिखाऊंगा नहीं। अब क्या होता है देखते हैं कि श्यामा शायद अपने भाई की हिफाजत करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए माँ से मार नहीं पड़े उनके लिए वह भी अपने भाई को बचाने के प्रयत्न करते रहेंगे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। किसको विश्वास नहीं था? केशव को। पर श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या उसे यह भी लग रहा था कि जो काम हो रहा है उस काम में वो बराबर की हिस्सेदार थी, भागीदार थी। तो इसका फैसला यह नहीं किया जा सकता है कि किस हिसाब से वह यह बात माँ से छुपाने के लिए काम कर रही है, पर मोहब्बत के मारे चुपची या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से भी इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों बात भी हो सकती है। माँ ने डांट डपट कर फिर से कमरे में दोनों को बंद कर दिया और धीरे धीरे उसको सुलाने की तैयारी में लगा दिया। अभी तो सिर्फ 2 बजे थे और बाहर तेज लू चल रही थी, यानी कि गर्म हवा चल रही थी। अब दोनों बच्चों को भी आराम से नींद आ गई। उसे नींद किस बात से आई? माँ के दर्शन ही, परंतु उन्होंने जिस हिसाब से चिड़िया की रखवाली करने का निश्चय किया था वह सारी बात उन लोगों ने कर ली है। वह मन में तसल्लियों से मिल गई है कि अब बच्चों को कुछ नहीं होगा, उसके माँ को उससे दूर जाना नहीं पड़ेगा और वह सब लोग हमेशा साथ साथ रहेंगे, उसे कुछ भी मुसीबत नहीं होगी। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ अब दोनों भाई बहन बड़े प्यार से सो जाते हैं। वापस हम चैप्टर का तीसरा भाग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और पाठ की अंत तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों सोए मुश्किल से 2 बजे थे और 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुल गई, किवाड़ खुली हुई थी। यहाँ पर नया शब्द है यकायक का मतलब होता है अचानक। दरवाजे खुले हुए थे पर वो तोड़ी हुई कार्निस के पास आई और उसकी तरफ ताकने लगी, मतलब कि देखने लगी। उसे लगा कि अब तो सब कुछ हो गया है, शायद अंडे में से अब बच्चे बाहर निकल आए होंगे या फिर अंडे के पास उसकी माता पिता बैठे होंगे। उस उम्मीद के साथ वो दौड़कर बाहर कार्निस के पास जाती है और वो देखने की कोशिश कर रही है। टोकरी का पता नहीं था, उसने जो सोचा था ना उनसे पूरा
दिनचर्या पर विपरीत हो रहा है। उसके मन में काफी इच्छाएं थी कि बच्चे निकल गए होंगे, वो चू चू उसकी आवाज आती रही होगी, परंतु यह तो पूरा दृश्य बदल चुका है। उसने देखा तो टोकरी का तो पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई, वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। उल्टे पांव मुहावरा, वो भाग कर गई अपने भाई के पास। उसे लगा कि शायद हम सारी तैयारी करके बैठ गए, जब हम सो गए बच्चे निकल गए और वह उड़ के चले गए। केशव घबरा उठा। क्यों घबरा उठा? क्योंकि उसको तो पता था कि इतनी जल्दी यह काम होगा नहीं, बच्चे इतनी जल्दी उड़ेंगे नहीं, बगैर पंखों के कभी भी बच्चे उड़ सकते नहीं हैं। केशव घबरा उठा, डर गया और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे पड़े हुए थे और उनमें से कोई चूने किसी चीज बाहर निकल आई थी। पानी का पता नहीं था, पानी की प्याली टूटी हुई थी, डस्टबिन जो है कूड़ादान है वो नीचे गिरा हुआ था, चावल बिखरे हुए थे और अंडे भी टूटे हुए थे। अब हमें भी डर लग रहा है कि अब क्या हुआ होगा बच्चों के साथ, क्या हुआ होगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वो डर गया। रंग उड़ जाना, मुहावरा डर लगना, उसका मतलब होता है डर। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा, सहमी डरी हुई आंखों से। उसे मन ही मन डर लग रहा है जब हम कोई भी कार्य ऐसा करते हैं कि उस डर का एहसास हम ही कर सकते हैं, हम किसी को दिखा सकते नहीं है। वह भी सहमी हुई डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ, उस टूटे हुए अंडों की तरफ देखने लगा था। पर श्यामा छोटे से बच्चे, उसको तो इस बात का कुछ भी पता नहीं था। श्यामा ने पूछा, बच्चे उड़ गए भैया? क्या हमने ये सारा काम किया और बच्चे निकल के उड़ भी गए, हमें पता भी नहीं पड़ा? केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण यानी दुखी मन से कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा ने कहा, और बच्चे कहाँ गए? अंडे बोले ना फूट गए, मुझे अंडे से नहीं, मुझे बच्चों से काम है, बच्चे कहाँ गए? केशव अब गुस्से में आ गया। केशव का तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से जो उजला उजला पानी निकल आया है वही तो दो चार दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने हाथ में सोटी लिए पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? अब तो माँ को भी लगा कि ये बार बार बच्चे बाहर क्यों निकल रहे हैं और ऐसी कौन सी परेशानी है जो मुझे नहीं बता रहे और खुद ही खुद उसका हल ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हुए हैं। श्यामा से रहा नहीं गया, अब उसको लगा कि जो कुछ भी घटना घटित हुई है उसमें कहीं ना कहीं भैया का ही हाथ है, शायद उसने अंडे को ठीक से रखा नहीं हुआ होगा या उनसे कोई गलती हो गई होगी इसलिए अंडे टूट गए और उसी के कारण चिड़िया भी उड़ गई दुख के मारे। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ हुआ होगा, क्या अंडों को छूने से कुछ हो सकता है? अब देखते हैं कि इसने तो कुछ नहीं किया था, सिर्फ अंडे को पकड़ के गद्दी के ऊपर ही रखा था और कुछ तो किया नहीं था, और इतना छूने से उसमें कुछ हो सकता है क्या? और हुआ तो क्यों, चिड़िया ने उसके अंडे तोड़ दिए, क्या उसमें से बच्चे क्यों नहीं निकल आए? क्योंकि बच्चों को तो उसके बच्चों के साथ खेलना था, उसको पालना था, उसको बड़ा करना था और उसको हमेशा के लिए अपने घर में रखना था। पर ये क्या हो गया कि ये जो सारी
हमने जो तैयारियां की है वो सारा टूट गया है, नीचे गिर गया है, अंडे भी गिर गए हैं, चिड़िया भी उड़ गई है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इतना क्यों हो गया? अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रखा कि वो नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि केशव ने दिखाया नहीं था ना कि उसने अंडे कैसे रखे हैं, किस तरीके से रखे हैं। तो उसके मन में यही सवाल होगा कि पक्का ये भैया की ही गलती है, इसी के कारण आज यही यह दुर्घटना घटित हुई है, इसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए, केशव को मिलनी चाहिए, क्योंकि दूसरी बार यह ऐसी गलती कभी करे नहीं। उसने मम्मा को बोल दिया कि मम्मी बोली इन्होंने ही अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था, भीगी बिल्ली बना यानी कि डर कर खड़ा रहा कि अब तो हमारी हालत खराब हो ही गई है, मम्मा को पता पड़ ही गया है, अब तो हमें कोई बचा सकता नहीं। माँ ने कहा, तू वहां पहुंचा कैसे? पर तो सारी बात बतानी पड़ेगी, कैसे पहुंचा, क्या किया, किस तरीके से अंडे को छेड़ा था, किस तरीके से उन्हें सारे दिमाग में ये सारी तरकीबें ढूंढ निकाली थी और ये घटना कैसे घटित हुई। परंतु माँ का डर था कि कहीं माँ मुझे मारेगी नहीं, तो और सबसे बड़ा डर यह था कि उन्हें खुद ही यह लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ है, आज एक चिड़िया अपने बच्चे के अंडे अपने बच्चों को गिरा कर गई है, अंडे को गिरा कर गई है, वह मेरे ही कारण हुआ है। वह आत्मग्लानि उसे अंदर ही अंदर और कमजोर कर रही है। और दूसरी ओर श्यामा भी अब तो उसमें हिस्सेदार होगी कि नहीं मम्मा भैया ने किया है, भैया ने किया है। तो अब एक तो माँ का डर और दूसरा खुद के द्वारा की गई गलती का अफसोस वह व्यक्त कर रहा था और सोच रहा था कि अब मैं कभी भी ऐसा काम करूंगा नहीं। तो केशव कुमार जब डांट रही थी तो श्यामा भी उसमें हिस्सेदार हो गई कि माँ मम्मा वही चढ़े थे, उसने यह सब तरकीब ढूंढ निकाली थी, उसने यह सब रखा हुआ था, उसी के कारण ये गिर गया है। परंतु हम सब लोग जानते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ केशव का ही दोष नहीं है, वह उनकी उम्र के साथ उनको यह पता नहीं था कि हर एक के पास कुदरत के द्वारा दी गई एक अनमोल शक्ति है, वो शक्ति ही सबकी रक्षा करती है। हम दूसरों से अपने रक्षा करने के लिए फाइट करते हैं, हम उसको जवाब दे देते हैं, जबकि जो पशु पक्षी है वो हमें किस तरीके से जवाब देते हैं वह उन्हें मालूम नहीं था। मेरे ख्याल से जो केशव ने गलती की है, हमें यह गलती को अपने जीवन में कभी भी दोहराना नहीं है। अब बस हम देखते हैं कि आगे क्या होता है और केशव किस तरीके से अपने आप को इस गलती का एहसास कराता है, वो कैसे वहां से वो तरकीब ढूंढता है कि अपनी माँ से वो सारी बात आसानी से कह ले और कम से कम सजा उसे मिले। क्योंकि हमेशा हम जो भी गलती करते हैं हमें सजा पाने के लिए, वो भुगतने के लिए तैयार ही रहना पड़ता है, हम कभी भी उनसे भाग सकते नहीं है। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने हमें इस कहानी के साथ इतना पकड़ लिया है कि जैसे कि केशव की यह गलती नहीं है, यह गलती हम सबकी है। यदि केशव के साथ साथ हम सब लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार थे, है ना, हमने भी कहीं ना कहीं लगा कि चलो केशव की जगह पर हम हैं,
हम भी यह सब रख रहे हैं, हम भी चिड़िया की हिफाजत कर रहे हैं। तो अब हम दूसरी कक्षा में देखेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होता है। धन्यवाद।